SBN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जब से अध्यक्ष पद में जो चेहरा बदला है, तब से मध्य प्रदेश में बदलाव ही बदलाव नजर आ रहे हैं, खासकर कांग्रेस की तरफ से। बता दें आपको कि कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को कांग्रेस अध्यक्ष बना देना, यहाँ पर कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला अपनाया था। इसी बीच आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद यहाँ आगामी विधान लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करेंगे, जहां एमपी में जीत के फॉर्मूले की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी जल्द किया जाएगा, ताकि संगठन का काम यहां अच्छे से हो सके और संचालित हो। फिलहाल प्रदेश कार्यकारिणी भंग होने के कारण अभी वे ही पदाधिकारी काम कर रहे हैं जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने अधिकृत किया है। इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद जीतू पटवारी ने यहां कांग्रेस को लेकर ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बैठकों का दौर जारी है, लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां यहां शुरू हो चुकी हैं और लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही जीतू पटवारी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी को अनुशासनिक संगठनों के प्रदेश अधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ बैठक कर सभी को मत प्रतिशत बढ़ाने का कहा है। और इसके अलावा दिल्ली में होने वाली बैठक में राहुल की न्याय यात्रा पर भी चर्चा होने वाली है, जो एमपी से होकर यहां गुजरेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरने वाली है। ऐसे में राहुल की न्याय यात्रा को लेकर नए सिरे से तैयारियां हो रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी जीतू पटवारी के कंधों पर होगी। दूसरे चरण में यात्रा भिंड, ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट को कवर करती नजर आने वाली है। इन महत्वपूर्ण सीटों पर जमकर प्रचार किया जाएगा। वहीं 6 जनवरी को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक भी बुलाई है। जीतू पटवारी ने कहा कि 50% वोट शेयर, संगठन को मजबूत करना और आइडियोलॉजी को घर घर ले जाने की शिक्षा और यहां दिशा में काम कर रहे हैं, मैं नहीं हम के यहां पर। इसी बीच आपको बताते कि यहां पर जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों और साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर इस बैठक में बात करने वाले हैं। क्या जीतू पटवारी के इस ताबड़तोड़ फैसले से मध्य प्रदेश कांग्रेस और साथ ही साथ लोकसभा चुनावों पर कोई गहरा असर पड़ता नजर आने वाला है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SBN 9 News। धन्यवाद।